सच साहस सरोकार। बेतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, निकाय चुनाव को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। कैमूर में बीजेपी ने मिलन समारोह का किया आयोजन, राजद व बीएसपी के 101 लोगों ने ग्रहण की सदस्यता। मुजफ्फरपुर में भाजपा सांसद ने की बयानबाजी, सीएम नीतीश को बताया आरजेडी का बंद हुआ मजदूर। नालंदा में जनसंपर्क करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। रोहतास में आगामी त्योहारों को लेकर की गई बैठक, एसपी और जिलाधिकारी ने की बैठक। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड अचल कार्यालय के प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि नगर निकाय चुनाव अगर नहीं हुआ तो विरोध जारी रहेगा। वहीं सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि नगर निकाय चुनाव आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ, अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम सब मिलकर पूरे बिहार में और रोड पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ, नगर परिषद में, नगर पंचायत में, नगर निकाय में, नगर निगम में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट के द्वारा जो रोक दिया गया है, कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट का त्रुटिपूर्ण कार्य का ये रवैया रहा है। अगर रोस्टर पालन हो गया होता तो ये चुनाव नहीं रुकता, कहीं ना कहीं जनता को पेरने का ये इन लोगों का मकसद रहा है, इसी के विरुद्ध में आज हम लोग धरना। ये धरना आगे भी चलेगा क्या? कंटिन्यू आज का एक पार्टी का था कि पूरे बिहार में हर प्रखंड मुख्यालय पर धरना देना है, हम लोग दिए हैं। नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने रउई प्रखंड के रामपुर, इंद्रवास, हवनपुरा समेत कई इलाकों से होते हुए हरनौना प्रखंड पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर हरुई प्रखंड के सभी लोगों ने कहा कि जितना ये नीतीश कुमार का उतना हमारा भी है, क्योंकि हम नालंदा के ही रहने वाले हैं। ये इलाका सब लोगों का है, मुख्यमंत्री जी यहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सब लोगों का इलाका है, हम लोग इसी जिले के रहने वाले हैं। और आप जानते हैं कि जिले के जितने हमारे साथी हैं सब लोगों में उत्साह है, उनका हमको आमंत्रण मिलता है, हम आए हैं। बिहार में बीजेपी के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों पर जदयू के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। भाजपा द्वारा नगर निकाय चुनाव कराओ आरक्षण बचाओ को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में जदयू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत रोहतास जिले के सभी प्रखंडों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जदयू के खिलाफ बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को वंचित करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निकाय चुनाव को रद्द करवा दिया गया। वहीं डेहरी विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव ने जदयू पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अति पिछड़ों के साथ जदयू ने छलावा करते हुए धोखा देने का काम किया है। जो नगर निकाय चुनाव, जो आरक्षण इस सरकार के नाइंसाफी के चलते समाप्त हुआ है, तो हम लोग का मांग है कि नगर निकाय चुनाव कराओ और क्या है जी, आरक्षण बचाओ। तो इसी के लिए हम लोग आज यहाँ धरने पर हैं और हम लोग का धरना ये जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद एक खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजद का बंधुआ मजदूर कहा। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार को अपने अंतरात्मा की आवाज को सुननी चाहिए। वहीं सांसद ने यह भी कहा कि 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहे, आज भाजपा का साथ लुटेरे ही उनका भाजपा खराब कर रही है। भाजपा के साथ नीतीश कुमार तो राजा की भूमिका में हैं और अब बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। भाजपा
के कार्यकर्ता के सहयोग से पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने। 93 से गठबंधन रहा है, लंबा साथ रहा है, तो उन पर तो कोई कमेंट नहीं करेंगे। उनको भी अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ आप रहे, सत्ता का मजा लिए, सत्ता का सुख लिए, और आज भाजपा उनको खराब लग रही है, तो उनको सोचना चाहिए, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को टटोलना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद किसी तरह का बयान देना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने बयानबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, गरीबों के बारे में कभी नहीं सोच सकती है। इसके साथ ही शक्ति सिंह यादव ने पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी, चोर मचावे सो रहे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है जोर। लेकिन बिहार के अंदर में सब लोग जानते हैं कि भाजपा से कोई अगर अपेक्षा करती है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब के समर्थन में आ जाए, पिछड़ों के समर्थन में आ जाए, तो कतई संभव नहीं। जिनकी प्रस्तावना, जिनके हिडन एजेंडा, जिन संगठनों के माध्यम से चलता है देश के अंदर में, वही गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी है भैया, उससे क्या अपेक्षा। ये तो चोर मचावे शोर भाजपा। अरे यही व्यवस्था थी ना भाई, एक बात आप जान लीजिए, इसी व्यवस्था के तहत पूरे बिहार में चुनाव होते रहे पंचायतों के, नगर निकायों के। आज कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सा माध्यम आपने चुन लिया प्रोत्साहन वितरण के माध्यम से। लखीसराय जिले के चानन रेवटा में प्रखंड के मध्य विद्यालय में 23 से 25 अक्टूबर तक आयोजित 3 दिवसीय काली पूजा समारोह को लेकर बजरंगबली मंदिर परिसर में काली पूजा समिति के अध्यक्ष श्याम देव चौरसिया की अध्यक्षता में पूजा समिति की बैठक की गई। बैठक में पूजा समिति के पुनर्गठन पर विचार किया गया। इसके अलावा बैठक में 3 दिवसीय काली पूजा समारोह को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। झाझा में पूर्व नगर परिषद भवन और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक भवन के सामने बिजली पोल में लगी हुई 2 स्ट्रीट लाइट को चोरों ने चुरा कर ले गए, शहर में अंधेरे को कायम कर दिया। आपको बता दें कि नगर परिषद झाझा एवं बिजली विभाग झाझा की तरफ से यहां लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और कहा यह भी जा रहा है अगर इन चोरों को नहीं रोका गया तो पूरे झाझा में स्ट्रीट लाइट चुरा कर अंधेरे को कायम करने में सफल हो जाएंगे और झाझा अंधकारमय हो जाएगा। दुकान 10 बजे तक तो लाइट जल रहा था। कब? 13 तारीख को रात में हम 10 बजे तक देखे हैं। अच्छा, उसके बाद हम सुबह जब आए तो देखते हैं बल्ब दोनों गायब है। हाँ। उसके बाद से तो आज तक अभी तक अंधेरा ही है। परसों तक था। अच्छा, कल से नहीं है। नगर पंचायत, हाँ, पूर्व नगर पंचायत ग्रामीण बैंक के सामने, ठीक है, परसों तक था, कल से नहीं है। हाँ। चोरी हो गया है। अच्छा, और देख रहे हैं कि कैसा अंधेरा है, अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया है। जमुई के झाझा में प्रिंसिपल की देखरेख में 16 अक्टूबर दिन रविवार को वेलहेम चैंपियंस स्कूल में टैलेंट टेस्ट का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल के अनुसार 209 बच्चे परीक्षा में उपस्थित हुए, जिसमें झाझा, सोनो, गिद्धौर एवं आसपास के क्षेत्रों में कक्षा 5 से कक्षा 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं इस परीक्षा में अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। एग्जाम के दौरान अनुशासन और सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम किए गए। बच्चों को देख करके उस बच्चे का जो क्वालिफिकेशन है, जो वहाँ का नॉलेज बन के आता है, जो वहाँ होने के बाद मान लीजिए जो बच्चे बनते हैं, निकलते हैं, तो वो अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो उनको देखकर ही जब हमें मालूम चला कि इस तरह का स्कॉलरशिप होता है, तो हमने सोचा हमारे स्कूल और हमारे झाझा में भी ये चीज़ हो, ताकि बच्चों को यहाँ भी लाभ मिल पाए। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड कार्यालय में ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों का कहना था कि हम लोग का प्रखंड मुख्यालय जाने वाली मुख्य सड़क पर एक दबंग व्यक्ति द्वारा आवागमन बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर रामनगर प्रखंड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि रास्ता को फिर से चालू किया जा सके। वहीं अचल अधिकारी ने बताया कि जल्द ही रास्ते की साफ सफाई करवाई जाएगी और अमीन को बुलाकर नपाई करवाते हुए रास्ता को सुचारू रूप से चालू करवा दिया जाएगा। पुल बन गए, रास्ता घेरा गए,
गांव के रास्ता बा नहीं खेदे। एक आदमी सब लोग के मिल के परेशान कर 20 तारीख के बियाह बा, बारात नहीं करवा बा, किम के जाए हमके 7 महीने से परेशान कैले बा, ने जारू ले पूरा गांव का इतना लोग का परेशान कैले बा। दिक्कत बाटे पुड़िया फुलवरिया शादी बियाह हमके रुकल बाटे रास्ता बेगर, बाढ़ आवत तो हमनी के छाती भर डाँड भर पानी हिल के घास के जाता नहीं जाता, हमनी के बच्चा डूब जाता रहा सर, रोड हमनी के हाईवे बनल बंद हो गई, हमनी के रास्ता चाहिए आवे जाए, हमनी के ये दिक्कत बा सर। नवादा में बिहार विधानसभा के पूर्व सचेतक डॉक्टर राजा राम पासवान की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके आवास मिर्जापुर में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनके फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजा राम पासवान जमीन से जुड़े हुए जन जन के नेता थे। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार विधान परिषद सदस्य अशोक यादव ने राजा राम पासवान को गरीब गरीबों वंचितों के सशक्त आवाज एवं सच्चे रहनुमा बताया। वहीं इस कार्यक्रम में कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। डॉक्टर राजा राम पासवान जी आज पुण्यतिथि कार्यक्रम में हम सब लोग इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। डॉक्टर राजा राम पासवान जी धरती से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा के काम में हाथ बढ़ाए और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ही सराहनीय और अतुलनीय काम किया। रोहतास जिले के डेहरी थाना क्षेत्र में अवैध बालू से लदे 4 ट्रक को पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने कोयला डिपो में भी छापेमारी की है। बता दें छापेमारी के दौरान पुलिस और खनन विभाग की टीम ने अवैध कोयले से लदे 2 ट्रकों को भी जब्त किया है। इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान ग्रामीणों से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। वहीं बात इतनी बढ़ गई कि ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी कर दी। गरीब आदमी है, भूखे मरते हैं, कहां से हम लोग का खाएंगे? यही रोजी रोटी कहां से चला? रोजी रोटी कहां से चला? रोजी रोटी यहीं से चलता है हम लोग के। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 30 साल यहाँ पर भीरू है। हम राम उस्मात आदमी है, मेरा बेटी सियानी है। हम लोग सोचते हैं कि मर्द में बेटा है, हम हैं, कमाएंगे तो उसमें अपना बेटा बेटी के शादी भी कर लेंगे। हमको कमाने वाला कोई नहीं, हम लोग यही रोजगार है, हमको यही भाटा यही चाहेगा, यही लगेगा भाटा। यहाँ पे हम लोग अपना पैसा लगा के अपना डीओ सब मतलब GST सब लोग कोयला लगाते हैं। यहाँ पे बार बार कोयला पे छापा मारा जा रहा है। सिर्फ मनौरे गाँव पे बस मनौरे गाँव पे ओवरलोड पूरा बालू चल रहा है। ओवरलोड एंट्री ले लेके 6000 रुपए एंट्री लेके सब लोग चलवाते हैं। हमको सबको सूचना मिली थी कि अवैध कोयला यहाँ कई जगहों पर लगाया गया है जिसको जलाया जा रहा था, तो इसी के तहत ये कोयला जब्त करने का आदेश मिला है और कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई के बाद विस्तृत तरीके से आपको बता दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के विशुनपुर श्रीराम में एक नाबालिग युवती का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। इस घटना के बाद परिजन में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें मृत किशोरी की पहचान गांव के ही मोहम्मद आलम की 15 साल की बेटी जुबेदा की शक्ल में की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको नहीं मालूम कोई ऐसे कोई लड़का आता जाता भी था? नहीं। कोई किसी पर शक है क्या? नहीं। कोई नहीं आता जाता था? कभी किसी से फोन से बातचीत उचित? नहीं। किसी से बातचीत नहीं? नहीं। आखिर किस कारण फांसी लगाई? घटना हम लोग को सूचना हुआ है घटना स्थल पर, प्रथम दृष्टिया जांच के लिए पोस्टमार्टम करा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, आत्महत्या या क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। ऐसे हम लोग अपना अनुसंधान रखते हैं जारी, जैसे सूचना मिलेगा उसका कार्रवाई की जाएगी।
नालंदा में नगर निकाय चुनाव स्थगन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी इकाई ने आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ को लेकर पूरे जिले के प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस कड़ी में रवि प्रखंड और बिहार शरीफ प्रखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ चुनाव को लेकर धरना दिया। इस धरना को संबोधित करते हुए बीजेपी जिला महामंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। पिछड़े और अति पिछड़ों का जो हक है उसे आरक्षण मिलना चाहिए और नगर निकाय चुनाव भी जल्द से जल्द सरकार को कराना चाहिए ताकि यहां की आम जनता को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया जाएगा। राजनीति तैयार प्रखंड से ही शुरू हुआ है कि अति पिछड़ा का जो भी आरक्षण है उसको दिया जाए और हम सब इसीलिए आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं। मांग क्या है? मांग है जो अति पिछड़ा का जो अच्छी सीट है वो दिया जाए और जल्दी चुनाव हो। यही कहना चाहूँगा इस मंच से कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप संभल जाइए और सुधर जाइए। बिहार की जनता बुड़बक नहीं है, समझने की जरूरत है कि आज जो अति पिछड़ा है 122 उपजाति मिलाकर अति पिछड़ा जाति है और चार जाति पिछड़ा में है, कुर्मी कोयरी यादव तथा साव बनिया का कुछ पार्ट है। हम चाहते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा का जो हक है उसे आरक्षण मिलना चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी करावें ताकि यहाँ के आम जनता को सुविधा मिल सके। रोहतास के पुराने जीटी सासाराम में दीपावली छठ पर्व के दौरान जाम से निजात दिलाने के लिए एसपी और जिला अधिकारी ने बैठक की। इस दौरान एसपी ने कहा कि जाम की समस्या नहीं बने और शांति व्यवस्था को लेकर पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही एसपी ने खुद जिले की सड़कों पर उतर कर मौजूद ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारी को जाम से निपटने के लिए कई निर्देश दिए हैं। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सासाराम शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज शाम में गश्ती के क्रम में यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस चौक है और उसके आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और वैसे वाहन जो कि अंडर एज जो ड्राइवर्स चलाते हैं जैसे ई रिक्शा ऑटो जिस कारण सड़क दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है तो उन पे विशेष कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और उसी क्रम में कुछ ई रिक्शा यहाँ पर अभी उसको पकड़ा भी गया है और इसको लगातार अभियान चला करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सहरसा जिले से मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में एक फर्जी दरोगा गिरफ्तार किया गया है जिसका खुलासा पुलिस के द्वारा प्रेस रिलीज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक फर्जी दरोगा का नाम कैलाश कुमार है जो सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में साखुआ गांव का रहने वाला है। फर्जी दरोगा मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में छात्र छात्राओं को दरोगा के ड्रेस में परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे छात्र और छात्राओं को सहयोग कर रहा था। बता दें साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस भी बरामद किया गया है और परीक्षा में शामिल 19 छात्र छात्राओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जाँच जारी है। वो डिवाइस वाला जो है डिवाइस के होते बुलेट उसके जरिए कोई कहा गया था उसके जरिए हमको पकड़ा गया। आप वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ हम खड़े हुए भर्ती में नहीं। नवादा जिले के अकबरपुर थाने की पुलिस की बर्बरता सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दुधवा पंचायत में खनन मामले में पुलिस ने मुखिया को गिरफ्तार किया है और जब मुखिया ने पुलिस से पानी मांगा तो मुखिया को पानी से पेशाब पिला दिया और प्राइवेट पार्ट में डंडे से पिटाई की जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसकी सूचना मिलते ही एमएलसी अशोक यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे और मुखिया का हालचाल जाना। 5 लाख रुपया मांग वाले पैसा अध्यक्ष तो है मुखिया है भाषादार है पैसा इतना दो और 5 किलो घी मांगता गाय नहीं बिस्ता गए तो कहाँ घी देते पैसा दे दिए। एक बीच में खनन विभाग वाला केस कर दिया उन्होंने बादशाह पर और केस हुआ है तो दूगा दरोगा जाके केवाड़ी तोड़ के हमको वहाँ से ले आया। 2.5 लाख रुपया टिक्की में था वो ले लिया। पत्नी को पकड़ के बाल पटक दिया
सरिया भी खूब खुल गया और यहाँ थाना के गेट पर ला के ठेकेदार नहीं था उस समय, रास्ता का उसको रोको हम आते हैं। सहरसा कोशी रेंज में नवनियुक्त 60 सब इंस्पेक्टरों को डीआईजी ने नियुक्ति पत्र दिया। बता दें कि डीआईजी द्वारा नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर के हाथों में नियुक्ति पत्र मिलते ही सभी के चेहरे खिल उठे। फिलहाल नियुक्ति पत्र प्राप्त सभी सब इंस्पेक्टर सादे लिबास में अपने जिला मुख्यालय के थानों में योगदान देंगे। बता दें कि कोसी रेंज के सहरसा, सुपौल व मधेपुरा जिले से कुल 61 अभ्यर्थी दरोगा में चयनित हुए हैं। वहीं एक अभ्यर्थी का मामला कोर्ट में रहने के कारण उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। नियुक्ति पत्र जिनका सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ओर से, वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हुए उनका मेडिकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो, और अपॉइंटमेंट लेटर का आदेश हुआ था कि कंसर्न डीआईजी के नाम से कि इस क्षेत्र का जो है डीआईजी सर, जो भी डीआईजी है उस क्षेत्र के, वो साइन करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। उसी के आलोक में आपके निर्देश का अनुपालन किया गया और 60 लोगों को अभी दिया गया। एक का एक को थोड़ा एक कोर्ट का मामला था तो उसको मुख्यालय को लिखा गया है। आप देख रहे हैं इसमें महिलाएं भी हैं और यंगस्टर्स भी हैं, लड़के भी। मुजफ्फरपुर जिले के थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। जानकारी के मुताबिक टक्कर इतनी भयानक थी कि महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। दोनों भाई बहन इसी को सुरभी को एग्जाम देना था, गौरव गोलू नाम है उसका, पता ही यही थी उसके साथ, हमको कुछ नहीं पता है, बाइक से थे लोग। यहाँ परीक्षा देके जा रही थी, शर्मी लड़की के नाम है सर जी जी, और मैंने काजिंदा में अचानक वो गाड़ी वाला आके मोटरसाइकिल में टक्कर बहुत तगड़ा मार दिया सर। इस पर हम लोग का घरे सूचना मिली तो वहाँ से हम लोग सर आए हैं, यहाँ देख रहे हैं जो बहुत सीरियस स्थिति है तो पटना हम लोग। नालंदा में बिहार थाना क्षेत्र बनौलिया मोहल्ले में पुलिस पर पथराव किया गया। बता दें कि विवादित जमीन पर चल रहे निर्माण कार्य को पुलिस रुकवाने गई थी, इसी को लेकर कुछ लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। इस घटना में सदर सीओ बाल बाल बच गए तो वहीं दो पुलिसकर्मी पत्थरबाजी से जख्मी हो गए, जिसके बाद घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस पत्थरबाजी से संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। नौलिया में एक लैंड डिस्प्यूट था, कब्रिस्तान को लेकर के घेराबंदी कर रहे थे कुछ लोग, जिसके कारण तुरंत ही पुलिस फोर्स और सर्कल ऑफिसर वहाँ फील्ड विजिट किए थे। उसी में उस पर्टिकुलर अतिक्रमण को रोक दिया गया था, परंतु कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन लोगों पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 2 लोग हमारे कर्मी घायल हो चुके हैं। उसी को लेकर के अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मैटर और स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां बीते 10 अक्टूबर को कुदरा बाजार से एक किशोर का अपहरण कर लिया गया था, जिसको पुलिस ने गोवा से बरामद करते हुए 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला सोहन थाना क्षेत्र के पैया गांव का है। बीते 10 अक्टूबर को किशोर जयप्रकाश सिंह कुदरा से बाजार करने के लिए गया था और वापस नहीं लौटा। काफी देर हो जाने के बाद जब घर वापस नहीं आया तो घर वाले परेशान हो गए, जिसके बाद पिता की तरफ से थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। 13 तारीख को सोना थाना के अंतर्गत एक पहिया गाँव है, वहाँ के व्यक्ति है जयप्रकाश सिंह, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था और उस आवेदन में उल्लेख किया गया था कि उनके बच्चे को जो है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है। और 13 को ही देर रात्रि में फिर उनके पास में फ़ोन कॉल्स भी आने लगे, जिसमें 5 लाख रुपये फिरौती की मांग की जाने लगी और इस महत्वपूर्ण केस को हम लोगों ने काफ़ी प्रायोरिटी में रखा। SDPO जो भगुआ हैं उनके नेतृत्व में एक SIT गठित की, जिसमें DIU की टीम थाना अध्यक्ष भी थे और हम लोगों ने तुरंत जो है इसमें टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर काम करते हुए अपनी टीम को गोवा रवाना किया, क्योंकि जो कॉल्स आ रहे थे वो गोवा से ही आ रहे थे। और टीम में जाके गोवा में जो अपहरण थे शुभम, उनको भी रिकवर किया और इसके साथ में जो 2 व्यक्ति थे जो लगातार कॉल कर रहे थे, उन दोनों को भी हम लोग वहाँ से लाए हैं और उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनको माननीय न्यायालय में हिरासत में भेजा जा रहा है।
कैमूर के दुर्गावती प्रखंड में बीजेपी ने मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें राजद व बीएसपी से नाराज 101 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सभा की अध्यक्षता दुर्गावती भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार मिश्रा एवं संचालन विपिन कुमार केवट ने किया। बता दें, मौके पर पहुंचे क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी शकील कुरैशी के नेतृत्व में कुरैशी परिवार के दर्जनों लोगों ने राजद से नाता तोड़कर भाजपा का दामन थामा। जी, हमारे समस्या का समाधान उस पार्टी में है ही नहीं, इसलिए इसी का कारण है कि हम लोगों को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा। कितने की संख्या में आप लोग आज बीजेपी ज्वाइन किए? हम लोग करीब 130 आदमी जुड़े हैं, और रहा सवाल आगे भी जोड़ने के काम करेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ हमको चाहिए वो सुविधा राष्ट्रीय जनता दल में नहीं मिलता था, और अभी मिला है। जो ही हम लोग बीजेपी में जुड़े हम लोगों को बहुत हेल्प मिला, हर जगह से सपोर्ट हुआ, सामाजिक काम के लिए भी हाँ हुआ और करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ तक कि कहें कि जो काम उनके शासनकाल में रुका हुआ है आप लोगों का, सबसे पहले वही काम हम करेंगे। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र में पोठिया पंचायत के पोठिया सरपंच का बेटा शराब लेकर सनहौला की ओर जा रहा था, तभी पुलिस ने सूचना मिलने पर शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, पुलिस शराब कारोबारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में चेकिंग के दौरान कारोबारी को गिरफ्तार कर काफी तादाद में शराब बरामद की गई है। वहीं शराब की ये बड़ी खेप दीपावली के लिए लाई जा रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। आरा में मुफसिल थाना क्षेत्र के हली टोला में एक छात्र का शव 5 टुकड़ों में बरामद हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस ने दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड हाल्ट के बीच में छत विक्षिप्त अवस्था में बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक मुफसिल थाना क्षेत्र के हली टोला निवासी अशोक कुमार सिंह के बेटे का अपहरण 13 अक्टूबर को किया गया था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उस पूरे जांच को टेकअप कर रही थी, और उस जांच के दौरान 2 दिनों के बाद वैज्ञानिक पद्धति से ही वहाँ पे एक अननोन डेड बॉडी मिली रेलवे ट्रैक के पास में। परिजनों की मदद से उसको पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन छत विक्षिप्त था, इस वजह से उसमें हम लोगों ने परिजनों के सहमति से उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और पोस्टमार्टम के जरिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की मदद से उसकी पहचान सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे। खबर पटना से सटे फुलवारी शरीफ से है, जहां पर केंद्रीय एजेंसी एनआईए की छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक यह छापेमारी गजवा ए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले दानिश के घर पर चल रही है। बता दें, दानिश की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, और उसे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर एनआईए टीम उसके घर को खंगाल रही है। वहीं छापेमारी के दौरान दानिश के घर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर जाने से रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के रामदयाल गोलंबर के समीप एक मार्बल टाइल्स की दुकान में चोरी की नियत से घुसे शातिर लोगों की जमकर धुलाई कर दी गई। बता दें, लोगों ने इतना पीटा कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ की चंगुल से उसे छुड़ाकर हिरासत में लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, और इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई। भागलपुर में मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के जललाही में बबलगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज का रहने वाला प्रेमी जोड़ा सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचा। प्रेमी जोड़े ने एसएसपी में अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि परिजनों की तरफ से जान से मारने की कोशिश की जा रही है। बता दें, दोनों प्रेमियों की आपबीती सुनकर एसएसपी ने कहा कि दोनों लोगों की सही उम्र की जांच करने के बाद सही निर्णय लिया जाएगा, और दोनों लोगों को तब सुरक्षा दी जाएगी। मम्मी पापा धमकी देता है कि दोनों का जान मांग देंगे, हमको ललका गल में आना है, हमको किसी को मतलब ना, मामा से बोलता है, धमकी दे। किसको?
कौन धमकी देता है, मम्मी पापा किसको जान से मारने की? हम दोनों को। हम दोनों काहे धमकी देते हैं? कि शादी किए हैं। कब शादी किए थे? एक साल पहले। एक साल पहले फिर क्या हुआ था आगे बताइए। आगे हुआ कि दोनों जान मारते पिन शादी कर पिन घर में बांध कर लग गया पिन हम भाग गए घर। हम दोनों अपना मर्जी शादी किए, ये हमको पसंद किया हम इसको पसंद किए, घर में गार्जियन इसका राजी नहीं है। लड़का को बोलता है कि जहाँ देखेंगे मार देंगे तुमको, लड़का को या लड़की दोनों को। एक इसका मामा, क्या नाम है मामा का? रंजन। वो बोला, और इसका मम्मी है, थाना में पैसा कौड़ी दे दिया था अगला साल, तो दोनों को पैक कर दिया। उसके बाद इसको अलग रखा, हमको अलग रखा। उसके बाद इसको रात में ले गया, फिर उसके बाद घर से इसको लवा सुना सिंदूर उंदूर धो के लेकर आया थाना पे। उनका कहना था कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और उनको ये खतरा है कि घर के लोग उनको परेशान कर सकते हैं। हालांकि जो लड़की के परिजन है वो थाना पहुँचे हुए हैं FIR दर्ज करने के लिए, तो थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो सुनिश्चित करें, लड़की का कोर्ट में स्टेटमेंट करवा दें, उम्र का सत्यापन करा लें, अगर वो बालिग हैं तो उसमें फिर कोर्ट निर्णय लेंगे और अगर नाबालिग हैं तो उसके हिसाब से कोर्ट निर्णय लेगा। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच